वेलकम फ्रेंड्स, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का वीडियो नंबर 3 लेकर गया हूं, जिसका क्वेश्चन इस तरह का है। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में चूंकि ये जो भी क्वेश्चन है रेलवे SSC CGL एंड क्या नाम है NTPC में जो होता है रेलवे का, उसका ये क्वेश्चन है जो कि इसमें दिया हुआ है। और PO में भी सब क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, तो हम जानेंगे तभी तो इसको निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि एक मिनट में 2 सवाल बनाना होता है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको शॉर्ट में बताते हैं। शॉर्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग को कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको देखेंगे हम। आपको पहले ही मालूम होगा कि 1 से 50 तक का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बता दें, 100 तक का भी बता दिए, 1000 तक का भी बता दिए, आराम से उसको उस वीडियो को देख करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन फिर आज रीओपन करते हैं इसके बारे में, इसके रीओपन करते हैं इसका कि 625 का क्या होता है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि 25 गुना 25 करेंगे ना, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 25 है। इसमें 1 जोड़ देंगे 3 होगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 आ गया ना 625। तो हमें इस तरह से कैसे हम कह सकते हैं कि 25 है उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और 25 का स्क्वायर 625 कैसे हम लिख सकते हैं कि 25 से होगा। तो उसको निकालेंगे हम। निकालने का तरीका आप लोगों को बता चुके हैं पहले, भाग विधि द्वारा निकालते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि द्वारा आप सब जानते हैं, भाग विधि द्वारा निकालते हैं। 625 यहाँ पर लिख दिया, तो स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट तो उसका 2 का जोड़ा लगाया, 2 का पेड़ लगाया जाता है ना। कितना का पेड़ लगाया जाता है, 2 का। तो मैंने 2 का पेड़ लगाया, ये तो 1 ही को बच गया जी। तो डबल करने के लिए यहाँ पर 0 कर सकते हैं, डबल हो गया कि नहीं हुआ, हुआ ना डबल। तो 6 यहाँ पर है, 0 6 का मतलब क्या 6 ही ना होगा। तो 6 के पहले कौन वैसा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वर्ग है, इक्वल वर्ग है, माने एक्चुअल में होना चाहिए उसका वर्ग। तो 4 है, 4 का वर्ग 4 वर्ग ही ना है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे, है ना, और यहाँ भी 2 लिख देंगे, और 2 दूनी 4 लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा, इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा ना जी। 6 में से 4 जगह 2 हुआ, और यहाँ पर इसको जोड़ा ही हासिल आता है, भाग में 1 संख्या उतरता है, इसमें 2 जोड़ा लगेगा ना, जो जोड़ा लगेगा वही नीचे आ जाएगा। तो 25 लिख दिए, अब यहाँ पर कौन ऐसा अंक रखे कि कट जाएगा पूरा पूरा, तो 45 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 25 हो जाएगा, अब 5 5 20 और 2 22 हो गया कि नहीं। अब यहाँ भी 25 लिख देंगे, अब देखिए यह कट गया, तो इसके क्या हो गया, वर्गमूल कितना हुआ, रूट 625 का 25। अब देखिए 484 का पेड़ लगाइए, यहाँ पर क्या है, पेड़ लगाते हैं 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 ये कटा ना जी। यहाँ पर 2 लीटर के जोड़े हैं, कितना होगा 4, यहाँ पर है कितना 84। फिर यहाँ पर हम क्या रखें कि कट जाएगा पूरा पूरी, 2 रखेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरी, ठीक है। तो 84 हो गया, 42 दूना 84 नहीं होता है क्या, होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट 484 का 22 हो गया। अब कह रहा है दोनों को जोड़ना है, यानी कि अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484 इजिकल टू, या फिर 625 का 25 लिखेंगे प्लस 484 का 22 लिखेंगे, ये टोटल होगा। इसमें इसको जोड़ेंगे 7 होगा, इसमें इसको जोड़ेंगे 4 होगा, आंसर 47 हुआ। आप लोग पहले निकाल चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समझ में आ गया तो अपना से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट 1225 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए भाग विधि द्वारा ही निकालते हैं पहले, है ना। देखिए पेड़ लग गया, 2 2 का पेड़ लग गया। अब 12 के नीचे कौन वैसा संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 9, क्या है 9। तो यहाँ पर 3 बार में जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 ना होता है, 3 3 9 हो गया, यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसको जोड़ते हैं 6 होगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 होगा, ऊपर से एक पेयर नोट कर देंगे यहाँ है 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, तो ये आराम से कट जाएगा 5 बार में, है ना। तो 325 आ गया, यानी कि ये कट गया। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, कितना होगा,
ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे बन जाएगा, फिर जोड़ा लगा करके भी बना सकते हैं नीचे गुणनखंड विधि से। चलिए उसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 33 64, इसमें भी पेयर लगाना है 33 64। ये दो पेयर लग गया, पेयर लग गया ना माने जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया तो 33 के नीचे कौन वैसा संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है 25 है। यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ 25 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख करके इसको जोड़ देंगे कितना होगा 10 होगा, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 13 में से 5 जाएगा 8 होगा ना जी, 8 5 13 होता है, और ऊपर से कितना 64, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कर देगा 8 लिखेंगे, है ना, 8 लिख सकते हैं, तो 8 लिखेंगे तो 8 वर्ग में कर सकता है, देखिए तो 8 8 64 के 4 कैरी 64 लिख देंगे, यहाँ पर 8 कट जाएगा, कट गया। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा अंडर रूट 3 3 6 4 इजकल टू 58 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, 58। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 64 009, ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे इसको, अब पेयर लगाएंगे दो दो का, लग गया, ये भी नहीं लगा, जीरो लिख सकते हैं, इसके पहले जीरो छिपा रहता है, ठीक है ना, ए छिपा रहता है, तो 2 6 6 के पहले कौन वैसा संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 है ना, यहाँ पर 2 से कटेगा 4, चूंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, यहाँ पर 2 दूनी क्या 4, भाग दिए इसमें 6 में, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 4, इसमें से घटाएंगे कितना होगा 2, और एक पेयर नोट करेंगे 40, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह इसके इसके छोटा संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, बताइए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पांच लिखेंगे है ना, तो 5 25 5 22 हाँ 225 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 5, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 410, और ऊपर से फिर एक 9 0 9 यहाँ नोट करेंगे, फिर इसको कितना से ले जाएंगे, कितना से काटेंगे बताइए, यहाँ पर क्या रखेंगे कि ये पूर्ण रूप से कर सकता है, 3 क्या रखेंगे 3 ही रखेंगे, 3 यहाँ पर रख करके इसको गुना करेंगे ना, तो ये आराम से कट सकता है, यहाँ पर लिखे 5 10 0 5 50, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 3 रखेंगे तो पूर्ण रूप से 5 3 15 3 3 9 5 3 15, ये यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर इसका कितना हो गया स्क्वायर रूट 253 आंसर, ठीक है 253 हो गया, ये भाग विधि द्वारा सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है ना जी, भाग विधि द्वारा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है लास्ट नहीं होगा और है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 894916, इसको हम भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे 894916, तो पेयर पहले लगाएंगे तो पेयर ही लग गया, दो दो का जोड़ा लग गया ना जी, तो 89 का पहले कौन वैसा संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 81 है ना, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, तो 9 से काटेंगे ना 81, यहाँ पर 9 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 18 हो गया है ना, अब इसमें से घटाएंगे तो 8 होगा, और एक जोड़ा यहाँ पर नोट करेंगे, अब 849 के पहले कौन वैसा संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 8 के नीचे, 849 के नीचे कौन वैसा संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है बताइए, बोलिए चाहे इससे कम आना चाहिए, कौन संख्या रख सकते हैं सोचिए सोचिए, 4 से करके देखिए तो 4 4 16 कैरी कितना हुआ 1 8 4 32 1 33 4 3 7 4 वर्ग में जाएगा 736 आएगा है ना, घटाएं कितना होगा 3, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 1, यही ना होगा जी 3 1, हाँ उसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 1 है ना, अब यहाँ पर ये जोड़ा नोट करेंगे 16 लिख देंगे, यहाँ पर 16 एक पेयर यहाँ पर लिखेंगे, तब यहाँ पर कौन ऐसा संख्या रखे कि पूर्ण रूप से कटेगा,
बताइए, चार रखें, छह रखें, चार चौक 16 होता है, 6 × 1 = 36 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है तो क्या रख सकते हैं बताइए। 6 रखेंगे, यहाँ 6, तो ये आराम से पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 × 4 = 6, ये अंतर होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको भी इसके जैसा बनाना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल करके और जोड़ देना है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए यहां से, अंडर रूट एक्स माइनस 34 = 484, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स माइनस 34 = इसका वर्गमूल हम कितना बताए थे, इसका निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं, इसका वर्गमूल क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। 22 इसका वर्गमूल होगा, तो इसको ए अंडर रूट एक्स इजिकल टू 22 माइनस में है तो इधर जाएगा, तो प्लस में 34 हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स इजिकल टू कितना होगा, जोड़ेंगे तो 6 5 होगा ना जी, 6 5। अब चलिए यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा क्या, 56² रूट इधर जाएगा तो बर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। अब 56 में 56 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, चलिए इसको इधर 50 6 6 × 36 हुआ, 6 × 36 25 हो गया, और इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, 6 × 5 = 30, इसमें करेंगे तो 30 हुआ ना जी, अच्छे 30 का डबल कितना होता है, 60, 60 हुआ। अब ये 6 यहाँ पर नोट कर देंगे, ये 3 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, ये 6 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, 11 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, यही तो होगा आंसर, यानी कि ये आंसर होगा 31 36, 56 56 में गुना करेंगे तो 31 36 आएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले कहीं भी मिले आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और अगले वीडियो के लिए वेट करें, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।